सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। यासीन मलिक पूर्व सीएम सईद की बेटी का किडनैप, रूबिया ने कोर्ट में पहचाना। 32 साल पहले रिहाई के बदले 5 आतंकी छोड़ने पड़े थे। हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस के साइकिल भत्ते की शिकायत, कहा 11 करोड़ का सालाना भत्ता लेते हैं पुलिस अफसर पर साइकिल चलाते ही नहीं। चंडीगढ़ में गैंगस्टर के बैंक अकाउंट केस में 2 गिरफ्तार, जीजा साला चला रहे थे फर्जी खाता गैंग। गोल्डी बराट से मिलता है सरगना का चेहरा। मंगलसूत्र नहीं पहनना पति का मानसिक उत्पीड़न, मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी। अदालत ने कहा चूड़ी सिंदूर नहीं लगाया तो विवाहिता को शादी मंजूर नहीं। टी शर्ट के रेट पर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को जड़े थप्पड़, मेट्रो में जमकर हुआ झगड़ा। लड़की बोली मम्मी को सब बताऊंगी। भाभी सीजेआई उदय उमेश ललित ने 9 बजे शुरू की सुनवाई, बोले बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो कोर्ट 9 बजे क्यों नहीं शुरू हो सकता। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान ने साथियों पर की फायरिंग, 2 की मौत 2 घायल। गोलीबारी करने वाले सिपाही ने खुद को मारी गोली। देश के 2 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 19% के पार। कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मरीज, फ्री होते ही 13 लाख लोगों ने लगवाई बूस्टर डोज। पच्चीस राज्यों में भारी बारिश, महाराष्ट्र में 99 और गुजरात में 95 लोगों की मौत। तेलंगाना में 50,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। राज्यसभा सचिवालय का निर्देश, संसद भवन का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन के लिए नहीं किया जा सकता। शारजाह से कोची आ रही फ्लाइट में हाइड्रोलिक फेल्योर, विमान में 222 पैसेंजर्स थे। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर सेफ लैंडिंग कराई गई। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे की खुली चुनौती, बोले 40 में से एक भी विधायक चुनाव हारा तो छोड़ दूंगा राजनीति। संसद के मॉनसून सत्र में पेश होंगे 24 विधेयक, वन ऊर्जा संरक्षण से लेकर फैमिली कोर्ट संशोधन बिल पर होगी नजर। मेरा स्टेट उनसे नीचे, बार बार फोन करने पर भी सीएम नीतीश कुमार का कॉल बैक नहीं आने पर बोले यशवंत सिन्हा। मंकी पॉक्स को लेकर सख्त हुई सरकार, मरीज के संपर्क में आने वालों की 21 दिन तक निगरानी, कल केरल में मिला था पहला केस। चौकी इंचार्ज घूस लेते पकड़ा गया, एंटी करप्शन टीम के पकड़ने पर लगा रोने। एफआईआर से नाम हटाने के लिए मांगे गए थे पैसे। पीलीभीत में डॉक्टर से युवक ने की ठगी, खुद को बताया बिजली विभाग का अधिकारी, करीब 1.72 लाख रुपए खाते से निकाले। अमरोहा में डीसीएम चालक की सड़क हादसे में मौत, आम लेकर जा रहा था कोलकाता, ट्रक से टकराया डीसीएम। बिजली किल्लत से परेशान हुए लोग, एसपी विधायक घेरे में, चेयरमैन के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। 4 दिन से नजीबाबाद में नहीं आई है बिजली।
सड़कों पर बने गड्ढों में किया पौधारोपण, बारिश से सड़कें हुई खस्ता हाल, कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई करने की मांग। मेरठ में दिन निकलते ही पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, दो बदमाशों को लगी गोली, एक मौके से फरार। शामली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक अरेस्ट, दो फरार, बदमाश ने देखते ही चलाई थी गोली, क्रॉस फायरिंग में पैर में लगी गोली, हायर सेंटर किया गया रेफर। नोएडा में पुलिस ने किया एनकाउंटर, पांच बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक को लगी गोली, 3 लाख की थी लूट। भदोही में शिक्षक के घर में चोरी, घर की खिड़की तोड़कर घुसे चोर, नकदी और जेवर लेकर हुए फरार। मैनपुरी में शादी के नाम पर 2,10,000 की ठगी, दलालों के पैसे लेने पर दुल्हन ने शादी करने से किया इनकार। फरुखाबाद में ठेकेदारों की सेवा में लगे पालिका के टैंकर, लोगों को पानी सप्लाई के लिए नगर पालिका ने 50 लाख में खरीदे थे 12 टैंकर। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सहायक का रुपये गिनते वीडियो वायरल, रिश्वत लेने का आरोप, सीएमओ ने 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की। बदायूं में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, एसपी सिटी संघ पुलिस ने देर शाम लिया हालात का जायजा, कावड़ रूट का निरीक्षण भी किया गया। ज्ञानवापी में पुरातत्व सर्वेक्षण ऑन कार्बन डेटिंग की मांग होगी, एससी के वकील बोले श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई का ऑर्डर आने पर ही देंगे अर्जी। अंबेडकर नगर में 60 करोड़ की लागत से बनेंगे 12 हॉस्पिटल, किराए के भवन में चल रहे हैं 121 स्वास्थ्य उपकेंद्र। आरपीएफ ने 3 किन्नरों को किया गिरफ्तार, ट्रेन में अश्लील फप्तियां कस यात्रियों को कर रहे थे परेशान। मऊ में ट्रेन से कटकर महिला की हुई मौत, शव को कुत्तों ने नोचा, 5 घंटे बाद पहुंची पुलिस, नहीं हो सकी शव की शिनाख्त। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तीर्थ पुरोहित, शारदा पीठम में पूजा की मांग और अनुमति, मार्तंड तीर्थ पर पुरोहितों ने की बैठक। शाहजहांपुर में दबंगों ने युवक को पीटा, किसी बात पर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद, बंधक बनाकर मारा। युवक की हत्या कर शव को तेजाब से जलाया, मुरादाबाद में ईवीएम वेयर हाउस के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह बूथ अध्यक्षों से मिले, रामपुर में कहा सरकार ने हर वर्ग हर जरूरतमंद के लिए बनाई योजनाएं। विदेशियों के लैपटॉप में वायरस डालकर 170 करोड़ ठगे, नोएडा में खोला था फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर। गाजियाबाद में नरसिंहानंद गिरी पर एफआईआर, महात्मा गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी, चरित्र पर भी उठाए गए थे कई सवाल। प्रयागराज में सामान का पैसा मांगने पर फेंका बम, 2 युवक जख्मी, 12 की संख्या में बाइक से आए थे हमलावर। बस्ती में इलाज के दौरान 2 युवकों की हुई मौत, सड़क हादसे में 3 दोस्त हुए थे घायल, सड़क किनारे डीसीएम ने मारी थी टक्कर।
कानपुर में माहौल बिगाड़ने की साजिश। बिलहौर में युवक पर दूसरे समुदाय के लोगों ने किया जानलेवा हमला। गांव में पीएससी बल तैनात। मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया था आदेश। एक लाइसेंस पर 8 हथियार खरीद कर घिरे अब्बास। हाथरस में बदमाशों ने सराफा व्यापारी से की लूट। दो बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने तमंचे का बट मारकर किया घायल। ललितपुर में पार्षद की संपत्ति कुर्क करने पहुंचा प्रशासन। परिजनों ने किया विरोध। महिलाएं बोली अगर पैलेस में ताला लगाया तो कर लेंगे आत्महत्या। बरेली में गंगा की रेत से बनाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मॉडल उड़ीसा की टीम ने 52 घंटों में किया तैयार। पहाड़ पर जनजीवन प्रभावित। 10 स्टेट हाईवे सहित 203 सड़कें बंद। एक महीने बाद ही खुल पाएगा बीएमआर। अलग अंदाज में दिखे धामी। सीएम ने छात्राओं के साथ जमीन पर बैठकर खाया मिड डे मील का खाना। तस्वीरें हुई सोशल मीडिया पर वायरल। मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2022 में शिक्षा मंत्री ने बढ़ाया हौसला। कहा हर मेधावी गरीब बच्चे के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। उत्तराखंड में 19 जुलाई को हो सकती है भारी से भी ज्यादा बारिश। अलग अलग इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड में पहली बार ग्वालियर एयरबेस से 84 सौड़ पहुंचा वायुसेना का NN-32 विमान। लैंडिंग और टेक ऑफ का किया अभ्यास। उत्तराखंड में मिले 115 नए कोरोना संक्रमित मामले। 18 से ज्यादा उम्र वालों को लगनी हुई निःशुल्क बूस्टर डोज। अग्निपथ भर्ती योजना पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा उत्तराखंड के लिए बर्बादी का है ये पद। चार धाम यात्रा के किराए में इजाफा। हेमकुंड यात्रा भी महंगी। एसटीए ने 27% तक की बढ़ोतरी। हरिद्वार से दिल्ली तक कांवड़ियों के लिए बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। कांवड़ियों सहित आम जनता को भी मिलेगी राहत। भूस्खलन से मसूरी और देहरादून रोड पर आवाजाही मुश्किल। जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। धामी ने अक्षय पात्र एकीकृत रसोई का उद्घाटन किया। करीब 35,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। एसएसपी ने पुलिस लाइन अल्मोड़ा और कई थानों का किया निरीक्षण। मौसम को देखते हुए पुलिस बल को सतर्क रहने के भी दिए गए निर्देश। मिशन हरिद्वार। बीजेपी का कांग्रेस व बीएसपी पर बड़ा वार। एक और चुनाव से पहले 44 नेताओं का दल बदल। बदले की राजनीति पर गोदियाल के बाद अब हरक सिंह भड़के। कहा आज आपकी है कल हमारी सरकार होगी। हरिद्वार में पहले दिन पहुंचे 2 लाख कांवड़िए। नीलकंठ में जलाभिषेक। मसूरी में शिव भक्तों को नो एंट्री। सऊदी अरब के दौरे पर यूएस प्रेसिडेंट सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले बाइडेन। बोले पत्रकार जमाल खगोशी की हत्या के लिए आप जिम्मेदार।
मैक्सिको की नौसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 40 की मौत, ड्रग माफिया की गिरफ्तारी से जुड़े हैं तार। अमेरिका के मोंटाना में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, एक के बाद एक आपस में टकराए 20 से ज्यादा वाहन, 5 की मौत। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया विवादित शियांजियांग प्रांत का दौरा, कई अहम प्रोजेक्ट के बारे में ली जानकारी। ऑल इंडिया रेडियो को पाकिस्तानी रेडियो आकाशवाणी बताकर ट्रोल हुए इमरान खान। दुबई जा सकते हैं गोटबाया राजपक्षे, देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति का सिंगापुर में हो रहा विरोध, श्रीलंका में विक्रम सिंधे ने संभाली कमान। यूक्रेन के माइकोलिव शहर में रूसी सेना ने दागी 10 मिसाइलें, रिहायशी इलाके में बम धमाके, 2 यूनिवर्सिटीज भी हुई तबाह। पीएम की रेस में ऋषि सुनक की जगह पक्की, ब्रिटेन में रेडी फॉर ऋषि के नाम से चल रहा कैंपेन, 2 लाख वोटर्स का दिल जीतने में लगे सुनक। ऋषि सुनक के खिलाफ पार्टी में माहौल बिगाड़ने में जुटे बोरिस जॉनसन, जॉनसन ने सहयोगियों से कहा किसी का भी समर्थन करें लेकिन सुनक का नहीं। पीएम शहबाज का बेटा भगोड़ा घोषित, इमरान के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई पर विचार के लिए समिति का हुआ गठन। युवाओं में बढ़ रही डायमंड की मांग, अगले 8 साल डायमंड ज्वेलर्स का सालाना कारोबार 1.30 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। BMW की नई स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च, BMW G310 RR में दमदार इंजन और स्टाइलिश डिजाइन मिलेगी। अडानी ग्रुप ने ऐसे हासिल की हाइफा पोर्ट की डील। ₹80 प्रति डॉलर के करीब पहुंचा रुपया, महंगाई तो बढ़ेगी लेकिन निर्यात को भी मिलेगा बड़ा लाभ। इंडोनेशिया की कंपनी को सौंपा गया कोयला आयात करने का जिम्मा, अगस्त व सितंबर में होगी आपूर्ति। ईडी ने रश्मि ग्रुप के ठिकानों पर की छापेमारी, करीब 73.40 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का है ये पूरा मामला। नासा के जेम्स टेलीस्कोप का एलन मस्क ने मजाक उड़ाया, अंतरिक्ष की सबसे सुंदर तस्वीरों की कर दी किचन स्लैब से तुलना। बिटकॉइन ईदर समेत क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दिखी बड़ी बढ़त, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वीकेंड के पहले दिन देखा गया बड़ा उछाल। वॉल्ट डिज्नी के एक्सेलरेट प्रोग्राम में हुआ पॉलीगॉन का चयन, प्रोग्राम में डिज्नी की लीडरशिप टीम की मेंटोर भी उपलब्ध कराई जाएगी। घट गया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, स्वर्ण भंडार में भी गिरावट, विदेशी मुद्रा 8.26 अरब डॉलर घटकर। T20 वर्ल्ड कप की सभी 16 टीमों के नाम फाइनल, जिम्बाब्वे नीदरलैंड ने किया क्वालिफाई, भारत सहित 8 टीमें सीधा सुपर 12 में। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने दिल के साथ कांच भी तोड़े, लॉथम का करारा शॉट देखकर डर के भागे दर्शक।
श्रीलंकाई क्रिकेटर ने बताया हाल पेट्रोल के लिए दो दिन लाइन में खड़े रहे, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं खिलाड़ी। कोहली को मौका देने पर भड़का पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेंसर, कहा बीसीसीआई बस स्पॉन्सर्स को खुश करना चाह रहा है। बाबर के ट्वीट पर विराट की प्रतिक्रिया नहीं मिलने से नाराज है अफरीदी, कहा अब तक जवाब आ जाना चाहिए था। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल्स में चीन की युवोई को दी मात। कोहली के सवाल पर भड़के रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही। विराट कोहली के सपोर्ट में आए पूर्व पाक कप्तान राशिद लतीफ, बोले विराट को बनाया जा रहा बलि का बकरा, अकेले उनको जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। आयरलैंड ने जीता दिल, पॉल स्टर्लिंग और हैरी टेक्टर ने रचा इतिहास, पूरा क्रिकेट जगत इस कारनामे को देखकर हुआ दंग। टी20 में मुरली विजय की सुनामी, 19 गेंद पर छक्के चौकों की बरसात पर ठोक दिए 100 रन, गेंदबाजों का भी हुआ बुरा हाल। सुष्मिता के रिलेशनशिप पर पिता सुबीर सेन का बयान, बोले मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरी बेटी ने कभी ललित का जिक्र तक नहीं किया। रंगबाज तीन का ट्रेलर आउट, रंगबाज तीन का धांसू ट्रेलर रिलीज हुआ, बाहुबली नेता का किरदार निभाएंगे विनीत कुमार सिंह। रश्मि देसाई का डांस वीडियो आया सामने, जी हुजूर गाने पर रश्मि देसाई ने किया जबरदस्त डांस, फैंस ने की डांस मूव की भी जमकर तारीफ। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज, डबल रोल में नजर आए रणबीर कपूर। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग सप्लाई करने का लगा आरोप, एक्टर ने शेयर की पोस्ट, लिखा आप कंप्लीट है और खुद के लिए काफी है। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा का एक्टिंग में डेब्यू, यूटी नंबर 69 नाम से बना रहे हैं फिल्म, इसी नंबर की बैरक में बंद थे राज कुंद्रा। रिलेशनशिप पर सुष्मिता सेन का आया रिएक्शन, बोली ललित मोदी से ना शादी हुई है ना ही कोई एंगेजमेंट, सिर्फ अनकंडीशनल प्यार है। शाहरुख कार्तिक की जोड़ी इवेंट में किंग खान ने कार्तिक आर्यन को लगाया गले, फैंस ने कहा किंग हमेशा किंग ही होता है। पॉक्सो मामले में मलयालम एक्टर को मिली जमानत, श्रीजीत रवि दो नाबालिगों के सामने अश्लील हरकतें करने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। पटियाला जेल में बनी सिंधु और दलेर मेहंदी की जोड़ी, दोनों को एक ही बैरक में रखा गया, पूर्व क्रिकेटर और पंजाबी गायक में पुरानी दोस्ती। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।